माता दी, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि दसवीं है और नवरात्रि हमारे कल पूरे हो गए थे, तो आज दसवीं का मत्था टेकते हैं। तो मैंने तैयारी कर ली है, दिखाती हूँ आपको। जैसे हमारे हम लोग जैसे टेकते हैं, सभी सभी का अलग अलग त्यौहार एक होता है, लेकिन मत्था टेकने का स्टाइल जो सा रिचुअल होते हैं उनके सबके अलग अलग होते हैं। तो हम इस तरह से टेकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करते हैं, तो आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पहले कीजिए दर्शन। आप जोत चल रही है अभी, अभी भी चल रही है, बड़ी वाली जोत भी चल रही है। और ये देखिए, जो से हमने खेतरी बीती थी वो इस तरह से लगा लेते हैं। और एक गन्ना ये रखा हुआ है ऊपर तक, ये देखिए गन्ना साइड पे रखा हुआ है। और ये होता है गाय का गोबर जिसको कहते हैं, इसको उपला बना के यहाँ पर इसका मत्था टेकेंगे। ये मैंने एक जिसके ऊपर टेकना वो रख दिया धो के अच्छे से। तो अभी जो भी रख दें, बच्चे नहा रहे हैं तो आते हैं, तो मत्था टेकना शुरू करते हैं। श्री राम जी की मूर्ति भी रख दी आज फोटो मैंने। तो अभी पहले मत्था टेकेंगे, फिर हमारे मत्था टेकने के लिए बहन अपने भाई के जो टांगती है, पंजाब हरियाणा में सभी काफ़ी जगह पे ऐसे करते हैं, तो हम भी ये करते हैं, काम कान पे यहाँ पे लटकाते हैं। तो मैं तो अभी दिल्ली बैठे अपने भाइयों के पास नहीं जा सकती, लेकिन शिवानी और मेरी भतीजी आ रखी है निकिता, वो अपने भाई को हिमांशु को जरूर टांगेगी जो। तो अभी करते हैं शुरू। आगे चावल बनने रख दिए हैं, चावल और दही से मत्था टिकता हमारा, चावल बनने वाले हैं, बने गए होंगे लगभग। तो चलो करते हैं शुरू, वेट कर रही हूँ सभी आ जाएँ तो मत्था टेकना शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, हमने दशहरे का मत्था टेक लिया, हो गया हमारी पूजा हो गई है। देखिए, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मत्था टेक रहे फ्रेंड्स, ऐसे जो हमारे टांगते हैं, पहले तिलक लगा के भाई को, फिर कान पे, फिर हमारे दही चावल और चीनी खिलाते हैं, मिठाई नहीं खिलाते। ये देखिए भाई ऐसे आशीर्वाद लेता है, फिर भाई बहन, ये होते हैं हमारे जो दशहरे का मत्था टेकते हैं और बहन को देते हैं, और बहन को देते हैं गिफ्ट बढ़िया सा। अभी देगा शिवानी अपने पापा के जोड़ टांगे सिर। निकिता कर रही है हिमांशु के तिलक। पूरे अच्छे तरीके से करेगी निकू सारा। निकू फर्स्ट टाइम आई है ना यहाँ पे दशहरे पे, ये तो बहुत सालों के बाद फर्स्ट टाइम के, बहुत सालों छोटी होती आई थी जब स्कूल में पढ़ती थी तब, उसके बाद हाँ इससे भी छोटी थी ये। निकिता शर्मा दही चावल खिलाओ, चलो पैरों को हाथ लगाओ, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद सिर ते हाथ रख दे, कुड़ियां दे सिर ते हाथ रख दे होंदे ने, चलो खुश रहो। दशहरे का हो गया शगन पूरा खत्म हो गया हमारा आज का मत्था टिक गया। अब ये देखिए जोत हमारी जल रही है माता रानी की, पूरे जब कहते हैं आखिरी टाइम है, पूरे अच्छे तरीके से देखिए बहुत ही अच्छे दर्शन दे रही है ज्वाला माँ। तो मन पे किसी को खुश होता है, तेरी जोत जले महारानी, तेरी जय हो काल का रानी। अपनी जगह पे जाने का टाइम आ चुका है, वो चली गई हैं। और वो हो गया फ्रेंड्स, अभी घर का काम शुरू करवाया थोड़ा सा, तो जैसे काम खत्म हो गया था अभी रोड लगनी बाकी थी यहाँ पे, ये सूसू के बाद जाने के अंदर पानी जा रहा है। हिमांशु दिए खत्म हो गए थे घर में, दिए लेके आया, उनको धो के मैंने अच्छे से छन्नी में निकाल दिए, सूख जाएंगे तो थोड़े उल्टे करके रख दिए, जब सूख जाएंगे तो फिर इसको इनकी जगह पर लगा दूँगी। अभी तो टोकरी में रख दिए हैं, ऐसे कैसे निकल जाएगा पानी, इसका नुचड़ जाएगा, तो फिर जब दिए जलते हैं तो तेल ज़्यादा नहीं लगता उसमें, यानी कि नहीं तो दिए तेल पी जाते हैं सारा,
इसे धोने से ना पानी में चला जाता है तो तेल कम लगता है, तो जो सी दिया होता है ज़्यादा टाइम तक जलता रहता है फ्रेंड्स, इसलिए धो के रख देते हैं। दिवाली वाले दिए भी जो भी कभी ये काफ़ी टाइम तक चलते रहेंगे, क्योंकि कभी मंदिर जाना हो तो दिया लेके चले जाते हैं, तो उससे मत्था टिक जाता है अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये भी हो गया मेरा काम, जो जो अभी काम दिवाली का शुरू होना, सफाइयाँ शुरू होनी है दिवाली की। अब दशहरा तो चला गया आज, तो एक दो दिन में काम करना शुरू करेंगे। तो आज ये डॉक्टर हैं हमारे फिजियोथेरेपी वाले, अब इनका भी आज लास्ट डे है, तो ये कुछ एक्सरसाइज मुझे बता रहे थे, कह रहे आप रिकॉर्ड कर लो और इनको करवाते रहना। अभी मेरा काम इतना ही था, तो ये बहुत हो गया मेरे लिए, जाने इनके लिए काफ़ी है, तो अब ये दोनों टाइम अपने आप घर पे करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स उन्होंने पूरी एक्सरसाइज मुझे बताई, कहते आप इसको रिकॉर्ड कर लो, देखते रहना ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने रिकॉर्ड किया, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम भगवान करे ना ही आए, अगर होती है जा थोड़ा बहुत पैर में दर्द या कुछ होता है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये आते तो ये मेरे बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दर्द था, तो इन्होंने एक्सरसाइज बताई, मैंने की, उससे मेरा दर्द बहुत ज़्यादा मुझे 90% एक दो दिन करने से फ़र्क पड़ गया। तो जब मुझे थोड़ा सा लगता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे ढंग से बता रहे हैं, बहुत अच्छे थे, 1.5-2 महीने लगा गए हमारे पास, तो अब इनके हिसाब से भी अब इनका पैर पूरा खुल गया है, ठीक है, अब खुद एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने जैसे बताई मैंने रिकॉर्ड किया, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, ये देख सकते हैं। फिर अब मैं रोज़ इनको ऐसे ही करवाऊँगी, जैसे एक बार तो सुबह खुद करते ही करते हैं ये, शाम को प्रॉपर मैं आप खड़े होके साथ में तो इनको करवाऊंगी, क्योंकि अब दिवाली के दिन है, काम भी बहुत ज़्यादा होता है घर में, गेस्टों का आना जाना, कहीं जाना, मार्केट शॉपिंग सब बहुत खूब चलेगा, तो इन्हीं कामों के बीच में सबसे जरूरी काम है इनकी एक्सरसाइज, तो जो कि मैं करवाऊंगी इनसे रोज़ की रोज़। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भी मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, अपने काम में थोड़ा सुधार ला सकूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर भेजिए। अब कल मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो पे, तब तक आप देखिए एक्सरसाइज कैसे हैं। अब ये हो रहा है इनका चलना, तो ऐसे ही चलते हैं एक पैर के सहारे, अभी पैर बिल्कुल भी नीचे नहीं लगाना है, क्यों डॉक्टर साहब ने मना किया है, इसलिए फ्रेंड्स बिल्कुल नीचे नहीं लगाते हैं, ऐसे ही चलते हैं। अगर वॉशरूम तक जाना होता है इन्होंने, जा फिर अंदर वॉश बेसिन पे कभी कभी हाथ धोने के लिए भी, थोड़ा चलना फिरना हो जाए, बस इतना ही जाते हैं, और खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है ये इन्होंने, डॉक्टर साहब ने स्पेशली का इतना बताया, ये करवानी दो टाइम इनको, तो वो चलती आ रही है। तो फ्रेंड्स आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खूब इंजॉय कीजिए, कल मिलेंगे, तब तक जय माता दी।